नमस्कार, मैं डॉक्टर सहानी, डायरेक्टर ओम साई नागकन गला अस्पताल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करें, ब्रीथ टू एयर। आप लोग लॉकडाउन में सुन रहे हैं कि हम लोग तो लॉकडाउन से ही कई लोग परेशान हो रहे हैं, पर कई लोगों की सांसों का लॉकडाउन भी लगा हुआ है। वो किस तरह से देश में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई है। दोस्तों, ये ब्रीदिंग जो है, सांसें जो हैं, जब से अपन पैदा होते हैं, पूरी अपनी लाइफ की यात्रा में अपने साथ चलती हैं, और जब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन चलता रहता है, ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सपायर करते रहते हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में जो गैप है, अगर वो गैप लंबा हो जाए और किसी कारणवश एक्सपायर नहीं कर पाए, इंस्पायर नहीं कर पाए, तो क्या होगा? हमारी एयर ब्रीथ एयर में कन्वर्ट हो जाएगी और हम ख़त्म हो जाएंगे। इस गैप को ही एसेंस ऑफ डिवाइन कहते हैं, एसेंस ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, जिसको लोग अल्लाह, गॉड, किशन, राम, जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। आज उसी पे चर्चा करेंगे। हाँ, मेरा लिहाज से आप लोग आज से एक काम करें, अपनी सांसों पे ध्यान दें, अपनी इंस्पायरेशन, अपने एक्सपायरेशन पे ध्यान दें, उस बीच पे, उस बीच के गैप पे ध्यान देने की कोशिश करें। जब आप इन सांसों पे ध्यान देंगे और गैप पे ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपके अपने आप अपने एक्शनों पे भी ध्यान देने लग जाएंगे। जब आप अपने एक्शनों पे ध्यान देने लग जाएंगे, तो मित्रों, आपके एक्शन सुधर जाएंगे। मैं अपनी बात को उदाहरण से समझाता हूँ। एक मित्र फिशरमैन फिशिंग कर रहा था। उसने जैसे ही फिश को पकड़ा, उसका दोस्त दूर से आया और ज़बरदस्ती उसने उसकी मेहनत से ली हुई फिश को अपने हाथों में पकड़ लिया। फिश मछली उस टाइम तक जिंदा थी। उसने उसके अंगूठे को काट लिया और वो फड़फड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। वो तुरंत वहाँ से भागा डॉक्टर के पास पट्टी के लिए। डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी। चार पांच दिन बाद जब रीड्रेसिंग के लिए गया, तो उसने देखा, डॉक्टर ने बोला कि आपका जख्म भर नहीं रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, अंगूठा काटना पड़ा। फिर ड्रेसिंग हुई, फिर वुंड नहीं भरा। कहने का मतलब, पंजा काटना पड़ा, यहाँ तक कि एक हाथ काटना पड़ा। हाथ काटने के बाद उसको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब उसने शांति में सोचा, तो उसकी समझ में आया कि मैंने जो है दूसरे की मेहनत का फल उससे छीन कर लिया था, वो मेरा एक्शन सही नहीं था। उसको उसका एहसास हुआ और वो समझ गया। इसी बात को मैं दूसरे ढंग से आपको कहता हूँ। रामायण में आपने देखा होगा कि राम भगवान ने जब बाली को छिप कर मारा, तो बाली बोला कि हे प्रभु, मैं भी आपका प्यारा था और मेरा सुग्रीव भी आपको प्यारा है, पर आपने मुझे छोड़कर उसको गले लगाया और मेरे को छुप कर मारा, ऐसा क्यों? तो प्रभु राम जी बोले, अनुज वधु भाग्नि सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन हे ही कुदृष्टि विलोकन न जोई, ताही बधे कहु पाप न होई, ताही बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, अपने भाई की पत्नी, अपने बेटे की पत्नी, अपने दोस्त की कन्या या अपनी कन्या, सब नारी वो पे कुदृष्टि करने वाले को मारना कोई पाप नहीं होता।
भगवान श्री राम ने ये कहकर ऐसा एहसास कराया कि भगवान चाहते तो बाली से मित्रता कर सकते थे, और बाली से अगर मित्रता करते तो बाली मेहरबान भी था। एक इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता, रावण का काम उसी टाइम ख़त्म हो जाता। पर भगवान ने सही का रास्ता पकड़ा, सही कर्म का रास्ता पकड़ा और सुग्रीव को गले लगाया। तो मित्रों, आप भी जब अपने सांसों पर ध्यान देंगे, अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, अपने एक्शंस पर ध्यान देंगे, तो वो जो फोर्स गैप के बीच में है, जिसको आप राम, श्याम, किशन, अल्लाह, क्राइस्ट के रूप में जानते हैं, वो आपके साथ आपको गले लगाएगा सुग्रीव की तरह, वो आपकी सारी विपदा को दूर करेगा। मेरे दोस्तों, ये बर्थ बी टू डी का सफ़र, बर्थ टू डेथ का सफ़र जो है, इसके बीच में एक सी आता है, ये आपकी चॉइस है, आपको अपने कैसे कर्म कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सांसों पे ध्यान रखते हुए, आप जब सांसों पे ध्यान रखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि देखिए कि ये एक्शन भी आपके अच्छे हो जाएंगे, और भगवान आपको जो है गले लगाएगा, वो आपकी हर मोमेंट की हर मुश्किल आसान होती जाएगी, वो आपका जो है ये जीवन सफल हो जाएगा और स्वर्गमयी हर मोमेंट बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।